जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्नीचर गुरु में। मैं अनस, फाउंडर सीईओ अनस हैंडीक्राफ्ट। आज मैं नॉर्मली मैं ऑलवेज इंट्रो अपना खड़े होकर देता हूँ, आज मैं सोफे पर बैठा हूँ। ये सोफा ऐसा चुंबक की तरह इतने मुझे रोका हुआ है, उठने ही नहीं दे रहा है। इतना खूबसूरत हसीन सोफा है, ये छोटू सा है जैसा आप देख रहे होंगे। कैमरा मैन जरा आ गया हो और अब आता हूँ मैं, आपको बताता हूँ कैसा सोफा है ये। आइए। जैसा आप देख रहे हो, जैसे मैंने बताया, बहुत खूबसूरत हसीन सोफ़ा है। मेरा एक प्रीवियस वीडियो आया था, उसमें मैंने फ्लावर पॉट के बारे में बनाया था, तो वही वुडी से भी हमने यूज़ किया है। इसको भी पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे आउटसाइड में भी रख सकते हो, टेरेस पे भी रख सकते हो, बालकनी में भी रख सकते हो, पैसेज में रख सकते हो, बेडरूम में कहीं भी रख सकते हो, और पॉलिश का ज़रूरत नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट इसका यह है। और दूसरा मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, जैसे कि आप अभी सपोज़ आपने बालकनी में रखा है, ये देखिए इसका पॉलिश उतरेगा नहीं। इस पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ, और ये अभी हमने एक्सपोर्ट लाइसेंस जो हमारा मिला है, ज़्यादातर एक्सपोर्ट में भी यही चल रहा है क्योंकि वहाँ पर पॉलिश वाले का इश्यूज़ रहता है। अच्छा, और दूसरे जो आप ये स्टोन देख रहे होंगे, ये जो हैं, ये आप कभी भी जैसे रेड फोर्ट में जाओ, ताजमहल में जाओ, वहाँ पर आप दरवाजे जो देखते हैं डोर, वहाँ पर ऐसे ही एंटिक लगे हुए होते हैं। तो हमने उसका ही उसी टाइप का कॉपी बनाया है कि इसे एंटिक भी दिखता है थोड़ा। ये न्यू पीस है बट इसका एंटिक लुक दिया है। और एक और इसका जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें हमने नॉर्मली आपने सोफों में देखा नहीं होगा, इसके अंदर भी हमने स्टोरेज बनाया है। इधर कैमरा इधर मारिए, वो कोई बात नहीं। अब ये स्टोरेज है तो आप अंदर स्टोर भी कर सकते हो, एज ए सोफे की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एज ए बेडरूम में भी रख सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ है। और जो सामने है वही अगेन इसका हमने पीछे भी दिया है। नॉर्मली मेरे कोई भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो हम दोनों साइड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल यही इशू रहता है कि सामने रखा पीछे का गंदा दिखता है, तो पीछे भी वही काम है जो फ्रंट पे है, तो दोनों साइड है। आप ब्यूटी देखिए इसकी, एक्सक्लूसिव कितना दिखता है, रियल एंटीक है। ये देखिए, ये वापस से ऐसे खोल भी सकते हो इसको। कैसा लगा हमारा एंटीक सोफा आपको? थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को इतना हिट कर रहे हो, इतना सब्सक्राइब और लाइक्स आते हैं, थैंक यू सो मच, व्यूज आते हैं। और मैंने पहले भी बोला है और यही दिखाता है कि हमारे देश की संस्कृति और कला में कितना दम है। ये एक्चुअली अभी से ही बन रहा है, ये काफ़ी सालों से बनता आ रहा है हमारे हैंडीक्राफ्ट, लेकिन हम लोगों में क्या हो रहा था कि ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो मैंने यही मिशन और यही विज़न लेकर आया हूँ कि मैं एटलीस्ट आपको बता तो पाऊँ। आप कहीं से भी परचेस करो, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको पता तो लगे हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति कितनी प्यारी है, कितना अच्छे से बनाते हैं कारीगर लोग। और न्यू वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्दी, और बेस्ट से बेस्ट अपना अनस हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट लेके। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।